स्वागत है आपका वीडियो के पार्ट 2 में। तो हम इन बिहाड़ों के अंदर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको अधिकतर रेत और कीकर के पेड़ दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं खेत में जहां हम सबने पानी पिया और ये खेत चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं। और इसके बाद ऐसे और खेतों से गुजरती हुई ये ट्रेन वास्तव में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है एट दैट टाइम। यहाँ पहुँचने के लिए हमको 3 घंटा एक्स्ट्रा लग चुके हैं और अब हमें यहाँ से चलना होगा। यहाँ से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी सोने की धरती से गुजर रहे हों। और वैसे भी मानव सभ्यता के लिए खेती जिंदा रहने का सबसे बेहतर तरीका है। और हाँ दोस्त, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर देना। और ये फव्वारे वाली सिंचाई पानी के बचाव का बेहतरीन तरीका है। और इन विशालकाय कुंचों के बीच में हम और अब हम पहुंच चुके हैं और भी ज्यादा वीरान फील्ड में जहां पर आपको कम पानी में होने वाली चीजें अधिकतर दिखाई देंगी। और ये जैसे किसी छोटी नदी का रास्ता हो। और हर जीव की एक अलग ही दुनिया है इस रेतीले क्षेत्र में। प्रकृति में मनुष्य का इस तरह दखल देना यहाँ के जीवों के लिए खतरा बन चुका है। और हम पहुंच चुके हैं इस वीरान पड़े कुएं के पास में जो लगभग 25 साल पहले का है, भारमल जी मीना की स्मृति में। और इस हैंडपंप पे आके हमने फिर से प्यास बुझाई क्योंकि थक चुके हैं और पसीने भी थोड़े आ ही रहे हैं। और इस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है एक अंडरपास जिसके ऊपर है रेलवे ट्रैक। इसके नीचे चलने पर एक अलग सा ही सुकून मिलता है। मैं पार कर चुका हूं इस ब्रिज को और पीछे जाती हुई ये ट्रेन क्या बेहतरीन लगती है। और अब हम गुजर रहे हैं इन पगडंडियों से जो कूचों से बनी है और हमको चलना है सामने दिख रहे इस मंदिर तक। प्रकृति की इस गोद में यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता है। और वैसे इन कूचों से कटने का डर भी लगता है। ढलता हुआ सूर्य और ये देवस्थान यहाँ से आसानी से दिख रहा है, पर यहाँ पर जाने के लिए घूमकर ही जाना पड़ेगा। खेतों की मेड़ पर इस तरह चलने का एहसास शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है दोस्त। और फिर से पहुंच चुके हैं इन झाड़ी वाले टीलों पर और पहुंचते हैं फाइनली इस पहाड़ी पर जहां गवाले अपनी बकरियां चरा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि हम कई सारे पहाड़ों को पार करके यहां पर आए हैं। और अब मैं होता हूं थोड़ा सा चुप। और गाइस फाइनली हम हनुमान जी महाराज के मंदिर पे पहुंच चुके हैं अब द हिल। और यहां से देखे बाहर का व्यू तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। हम टॉप ऑफ द माउंटेन है बिल्कुल यहाँ पे। और बाकी मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। और ये विराजमान है भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज। और बगल में लगे ये पेड़ पौधे ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। और ये पुराने जमाने की पार्टर पोस और छोटे छोटे देवता बगल में। और बाकी सीन कुछ इस तरह से। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।